वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। ठीक है, अनुपात और समानुपात का मतलब होता क्या है पहले देखते हैं। देखो अनुपात का मतलब उसके बाद समानुपात में देखेंगे। ठीक है, पहले अनुपात का मतलब होता क्या देखते हैं। देखो अनुपात, ठीक है, रेशियो, ठीक, रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है हिस्सा या भाग। ठीक है, हिस्सा या भाग, हिस्सा या भाग, ठीक, हिस्से या भाग का मतलब। देखो भाग मतलब वही जो भाग आपको जो गणित में पढ़ते हो भाग देते हो वही भाग है, ऐसे डिवाइड लगाते हो। ठीक है, जैसे डिवाइड लगाते हो, जैसे 2/3 करना है, 2/3 तो ये हिस्सा हो गया। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं अंश, इसको बोल देते हैं हाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब हिस्सा। देखो अब रेशियो जो है, रेशियो के लिए कुछ स्पेशल साइन है क्या। हाँ स्पेशल साइन है, क्योंकि देखो ये जो है, ये भाग जो है भाग टाइप का लगता है। ठीक है, रेशियो टाइप का मजा नहीं आता इसको देखने में। तो क्या कर देंगे, इसको 2 बिंदु से दर्शाएंगे। जैसे इसको दर्शाना है तो 2:3। ठीक है, तो ये भी एक एक ही चीज है। ठीक है, या तो इसको 2:3 ऐसे लिखो या 2/3 ऐसे लिखो। तो 2/3 ऐसे क्या है कि ऐसे हम गुणा भाग कर रहे हैं ऐसे टाइप का लगता है, फीलिंग नहीं आता। ये क्या फीलिंग आता है, 2:3 का मतलब ये है, एक साइड क्या है, 2 हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, 2 हिस्सा, और ये क्या है आपका, 3 हिस्सा। ठीक है, मतलब हिस्सेदारी, शेयरिंग की बात की जाए, 2 बिजनेसमैन है। ठीक है, उसके हिस्सेदारी मतलब 2 हिस्सा इसका, एक बिजनेसमैन का, दूसरे हिस्सा मतलब दूसरे, मतलब 3 भाग गया है दूसरे बिजनेसमैन का, या ऐसे मतलब कोई और एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देंगे भी अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं वैसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जैसे कि 2 लोग हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, दोनों के यहाँ भाई है। ठीक है, या नाम ले लो कोई भी सर, ठीक है, राम श्याम ले लो। ठीक है, राम श्याम ले लो, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम, तो मान के चलो राम के पास, ठीक है, राम के पास 2 एकड़ की जमीन है और श्याम के पास 3 एकड़ की जमीन है। ठीक है, राम के पास कितने एकड़ की जमीन है, जमीन है देखो यहाँ पे 2 एकड़, और राम के पास क्या है, 2 एकड़, और श्याम के पास कितनी जमीन है, 3 एकड़ की जमीन है, 3 एकड़ की जमीन है। ठीक है, अब राम श्याम में अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो राम श्याम में अनुपात देखते हैं, राम और श्याम, ठीक है, इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसके पास 2 है, उसके पास 3 है, तो अनुपात क्या होना चाहिए, 2:3। ठीक है, 2:3 ले लो। ठीक है, इसके पास 2 हिस्सा है, जमीन का 2 हिस्सा है, बड़ा सा टुकड़ा है 5 एकड़ का, मान के चलो 5 एकड़ का टुकड़ा है। ठीक है, उसमें जो 2 एकड़ है, ठीक है, वो क्या है, राम का है, ये 3 एकड़ क्या है आपका, श्याम का है। ठीक है, अगर 5 एकड़ है, मतलब देखो ये 2 है यहाँ पे, 3 एकड़ है। ठीक है, अब देखो अगर राम के पास, अगर ठीक है ये तो कंडीशन होगी, अगर राम के पास 4 एकड़ हो, अगर राम के पास 4 एकड़ जमीन और श्याम के पास क्या हो, 6 एकड़ जमीन हो। ठीक है, श्याम के पास क्या हो, 6 एकड़ की जमीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 4:6 का अनुपात होगा। ठीक है, 4:6, अब 4:6 देखो भाग का निशान होता है, अनुपात हमेशा भाग का निशान होता है, तो भाग दे सकते हो आप। तो क्या हो, देखो 4:6 मतलब 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, कट जाएगा ना भाई, ऐसे 4/6 है, 4/6 है, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, कट रहा है कि नहीं, तो 2/3 आ रहा है, मतलब ऐसे 2:3 ऐसे काट सकते हो, ये डिवाइड का ही साइन है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 2:3। ठीक, अगर वैसे ही मान के चलो ये जो है आपका कितना हो, आपका ये हो जाएगा आपका 6 एकड़ है। ठीक, 6 एकड़ मतलब राम के पास 6 एकड़ की जमीन है और श्याम के पास कितनी जमीन है आपका, 3 3 9 एकड़ का है, 9 एकड़ का। अगर राम के पास 6 एकड़ जमीन है, उसके पास 9 एकड़ है, तो अनुपात क्या होना चाहिए, 6:9 होना चाहिए, 6:9 होना चाहिए। फिर कटेंगे इसको, देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2:3। ठीक, तो यहाँ पे देखो, पहले केस में क्या था, 2 एकड़ 3 एकड़, टोटल कितना था, 5 एकड़, तो क्या हो गया, 2 एकड़ इसका हो गया, 3 एकड़ इसका हो गया, 2:3 में बढ़ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला जो कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ पे 10 एकड़ का है। ठीक है, 10 एकड़ है, ठीक है, 10 एकड़ है, तो दोनों को रेशियो में काटे हैं, तो कितना आया गया, देखो 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, अनुपात में तो क्या है, 2:3 का अनुपात है ना, तो यहाँ पे देखो 2:3 मिल रहा है। ठीक है, अनुपात में तो दो, वैल्यू क्या है, देखो वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, 2 एकड़ है, 3 एकड़ मतलब अलग वैल्यू, अब देखो यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है,
तो क्या है, वैल्यू क्या है बदल रहा है देखो, लेकिन यहाँ पर रेशियो नहीं बदल रहा है, रेशियो आपका सेम है। अब देखो थर्ड कंडीशन में आपका, थर्ड कंडीशन में आपका कितना है, देखो 9 और 6 कितना है, 15 एकड़ का, 15 एकड़ की जमीन है, और इनका अनुपात कितना है, देखो राम और श्याम का अनुपात 2:3 ही मिलेगा, ठीक है 2:3 में ही है अनुपात, ठीक है। तो अनुपात क्या है, बदल नहीं रहा है, देखो अनुपात क्या है सेम हो रहा है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात क्या है, समान है, सब में समान है, और ये क्या है अलग है, ठीक है ये भिन्न है, अलग है, अलग अलग है। तो देखो वास्तविक जो मान है, ठीक है वास्तविक मान क्या है, अलग अलग है, ठीक है, और अनुपात क्या है समान है, अनुपात क्या है समान है, और वास्तविक मान क्या है अलग अलग। अनुपात समान है लेकिन वास्तविक मान क्या है अलग है। तो अगर आपको कहीं अनुपात दिया जाता है, मान के चलो राम के, राम और श्याम के पास, ठीक है एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपसे, राम और श्याम के पास 2:3 में जमीन है, ठीक है राम और श्याम के पास 2:3 में जमीन है, तो इनके पास कितनी जमीन है, ठीक है आप इनके पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन ठीक है, तो कितनी जमीन आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। 2:3 तो 2 और 3 एकड़ में भी हो सकता है, 4 और 6 में भी हो सकता है, 6 और 9 भी हो सकता है, वास्तविक मान कुछ भी हो सकता है। तो अनुपात देख के हम ये नहीं बता सकते कि कितनी जमीन है, ठीक है उसके एक और वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, एक और वैल्यू चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू, या तो एक आदमी का बता दे कि इसके पास इतनी जमीन है, ठीक है, या दूसरे आदमी का बता दे, या तो फिर दोनों का टोटल बता दे, तो एक पॉसिबल है, ठीक है उसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आप देखो क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं इसको, क्या बोल रहा है, राम और श्याम के पास 2:3 में जमीन है, और उनके पास टोटल क्या है 10 एकड़ की जमीन है, ठीक है 2:3 में जमीन है राम और श्याम के पास 2:3, और टोटल क्या है 10 एकड़, ठीक है टोटल 10 एकड़ है। तो देखो वास्तविक मान कितना है, टोटल 10, ठीक है वास्तविक मान है आपका, टोटल कितना है आपका 10, ठीक है ये आपका वास्तविक मान है, लेकिन ये वास्तविक मान नहीं है 2:3, ठीक है तो इसको वास्तविक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वास्तविक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणांक का गुणा करेंगे, ठीक है जैसे 2 है अनुपात में है, भाग में है, ठीक है 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा से अगर इसको वास्तविक मान बताया जाए, ठीक है तो क्या करेंगे, इसमें एक्स का गुणा करेंगे, ठीक है एक्स वाई के जो भी है मान सकते हो, ठीक है मतलब ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है 2x हो गया। अब ये क्या हो गया, वास्तविक मान हो गया, ये क्या था अनुपातिक मान था, अनुपातिक मान था या हिस्सा था, 2 हिस्सा था, 2 हिस्से के रूप में था, ये वास्तविक मान नहीं था, 2 एकड़ के रूप में। अब 2x एकड़ आ गया, ठीक है ये 2x एकड़ है, अगर x की वैल्यू अगर सटीक पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि कितना एकड़ है, ठीक है। अब देखो 3, अब 3 भी वैसे हो जाएगा, 3 में एक्स का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, तो देखो इसका भी वास्तविक मान क्या है 3x, एक्स का पता चल जाए ऐसे हम गुणा करके बता सकते हैं कि वास्तविक ये कितना एकड़ रखा है, ठीक है। तो देखो वो बोल रहा है 10 एकड़ टोटल है, तो देखो दोनों को जोड़ दे, इसके पास वास्तविक 2 एकड़ है, इसके पास वास्तविक मान है 3 एकड़ है, ठीक है मतलब एक्चुअल में 2 एकड़ रखा है, 2x एकड़ रखा है, ये भी 3x एकड़ रखा है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो क्या हो जाएगा देखो 2x+3x कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 5x, ठीक है आपका x की वैल्यू निकालना है, 5x = 10, ठीक है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से भाग दे, 5 × 10 तो क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू 2। अब एक्स की वैल्यू 2 आई तो बोल रहा है प्रत्येक के पास कितनी जमीन है, तो देखो राम के पास कितनी जमीन थी 2x, तो एक्स की वैल्यू कितना है 2 भर देंगे यहाँ पे, तो 2x = क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 एकड़, ठीक राम के पास 4 एकड़, अब इसके पास राम के पास 3x, मतलब एक्स का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6 एकड़, ठीक है तो पता चल गया अब राम के पास 4 एकड़ जमीन है, अब श्याम के पास 6 एकड़ जमीन है, ठीक है ये एक तो हो गया फैक्टर का तरीका, ठीक है मतलब एक्स को गुणांक का तरीका, तो एक्स क्या है आपका गुणांक है, एक्स से क्या है आपका गुणांक है, अगर बिना गुणांक का करना चाहे, ठीक है अगर बिना गुणांक का करना चाहे वो भी पॉसिबल है, उसको देखते हैं। देखो बिना गुणांक कैसे करेंगे,
देखो यहाँ पे क्या है, दो, और यहाँ पे क्या है, तीन। ठीक है, मतलब राव के पास दो हिस्सा है, श्याम के पास तीन हिस्सा है, तो हिस्सा टोटल के हिस्सा कितना है, तो यार रेशियो में टोटल रेशियो कितना है, रेशियो दो है यहाँ पे तीन है, रेशियो टोटल रेशियो क्या है, तो रेशियो हो जाएगा देखो दो और तीन कितना हो जाएगा, पांच रेशियो। तो टोटल क्या हो जाएगा, देखो टोटल रेशियो क्या है आपका, पांच, टोटल रेशियो पे पांच। ठीक है, अब इसकी क्या करनी, तुलना कर देनी है, वास्तविक मान क्या है, कुल कितना है, 10 एकड़ है यहाँ पे, 10 क्या है, 1 एकड़ है, मतलब वास्तविक मान आपका 2 10 है टोटल में। ठीक है, तो ये जो पांच टोटल रेशियो है उसका 10 से तुलना कर देना। ठीक है, तो 10 से तुलना कर देंगे, 10 एकड़। ठीक है, मतलब क्या हो गया, पांच रेशियो की वैल्यू 10 एकड़ है। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू 5 से कटा लो, 5 दूनी 10, तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 2 एकड़। जब एक रेशियो की वैल्यू अगर पता चल गई, आप दुनिया का कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब देखो दो दो रेशियो की वैल्यू आपको, जैसे कि आप राम के पास कितनी जमीन है, दोनों के पास सेपरेट कितनी जमीन है, मतलब राम के पास दो हिस्से में है, तो देखो एक की वैल्यू 2 एकड़ है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो की वैल्यू 2 गुना कर दो। ठीक है, एक का वैल्यू 2, तो 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 एकड़। अब 3 की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। ठीक है, उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू सीधी बात है 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 एकड़। तो एक तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर आप सीख गए होगे। ठीक है, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि रेशियो में और आगे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब इसी को क्या करूंगा, आप तो इतना क्लियर हो गया होगा। अगर मान के चलो, इसी में बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा था, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, मान के चलो देखो, मैं इसी में करा देता हूँ थोड़ा सा। देखो मान के चलो आपको दे दिया है राम और श्याम के पास, थोड़ा फास्ट करते हैं, राम और श्याम के पास 2:3 में जमीन है। ठीक है, तो क्या है आपके पास, आपको दिया जा रहा है राम के पास, राम के पास आपका, ठीक है, मतलब 10 एकड़ है राम के पास, अगर 10 एकड़ है तो आपको श्याम के पास पूछ रहा है कितना एकड़ है। ठीक है, श्याम के पास कितना एकड़ है, ठीक है, कैसे होगा, राम के पास 10 एकड़ है, तो देखो राम के पास भाग में कितना है, दो हिस्सा है, दो रेशियो में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 एकड़ है, तो दो दो की वैल्यू ही क्या है, 10 है। ठीक है, मतलब दो की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 एकड़, मतलब दो में कितने का गुणा हुआ, 5 गुणा हुआ है तभी 10 बना है क्या, दो में 5 गुणा हुआ है तो 10 बना है। ठीक है, मतलब रेशियो में जितने का गुणा होगा तो अगले रेशियो में भी उतने का गुणा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन में भी आपको 5 गुणा करना पड़ेगा, तो श्याम के पास पता चल जाएगा, तो 5 गुणा कर लो तो हो जाएगा 15 एकड़। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो श्याम के पास कितना होगा, 15 एकड़ होगा। ठीक, आपका, अब देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। श्याम के पास, ठीक है, और राम के पास, देखो श्याम के पास मैं आपको दे रहा हूं कि श्याम के पास आपका 12 एकड़, ठीक है, श्याम के पास 12 एकड़, और राम के पास आपको पूछ रहा है। ठीक है, श्याम के पास 12 एकड़ है, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है, 12 एकड़ है। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है, 12 एकड़, मतलब क्या क्या हुआ है यहाँ पे, 3 में क्या हुआ है, 4 का गुणा हुआ है। ठीक है, तो आपको राम के पास पूछ रहा है। ठीक है, तो राम के पास कितना हो जाएगा, राम के पास कितना, 2 है, तो आपको क्या हो जाएगा, 4 2 4 कितना हो जाएगा, 8 एकड़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब और एक क्वेश्चन करते हैं, एक आधे क्वेश्चन इसमें। देखो राम और श्याम का डिफरेंस, मतलब राम और श्याम में कितने का अंतर है, मतलब दोनों की जमीन में कितने का अंतर है, मतलब 5 एकड़ का अंतर है, मतलब राम की जमीन पांच श्याम की जमीन से कितना अधिक है, 5 एकड़ अधिक है, तभी तो राम और श्याम का अंतर हो गया। तो श्याम की अगर बड़ा रहता तो श्याम और राम का अंतर हो जाता। ठीक है, तो राम की जमीन, ऐसा क्वेश्चन है, राम की जमीन श्याम की जमीन से 5 एकड़ अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 5 एकड़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेशियो में अंतर कितना है, तो देखो आपको राम और श्याम का पूछ रहे, ठीक है, या आपको देखो टोटल का पूछ रहा है, टोटल का पूछ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों के पास कुल जमीन कितने की है। ठीक है, राम और श्याम आपको रेशियो दे दिया गया है, 2:3 में भी है, और दोनों का अंतर कितना है, 5 एकड़ का अंतर है। ठीक है, मतलब 5 एकड़ का फर्क है दोनों की जमीन में। अब देखो दोनों का प्लस पूछ रहा है, मतलब दोनों के पास कुल कितनी जमीन है। ठीक है, कुल आपका जमीन पूछ रहा है, कुल जमीन पूछ रहा है। ठीक है, कुल जमीन पूछ रहा है।
तो क्या हो जाएगा आपका अंतर कितने का, देखो रेशियो में अंतर कितने का है, दो और तीन में कितने का अंतर है देख लो। ठीक है देखो राम माइनस श्याम नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन श्याम माइनस राम होना चाहिए। देखो ये क्योंकि यहाँ पे रेशियो यहाँ पे छोटा है, ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो क्वेश्चन को 3/2 कर लो आप, ठीक है आप क्वेश्चन ठीक है। तो देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, एक का अंतर है, ठीक है, रेशियो में कितने का अंतर है, एक का अंतर। तो एक की वैल्यू कितनी है, देखो एक की वैल्यू है आपको 5 एकड़, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है, 5 एकड़। तो क्या हो जाएगा आपका कुल जमीन कितनी होगी, कुल जमीन देखो राम के पास 3 और श्याम के पास 2, तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल कितना हो जाएगा, रेशियो में कितना टोटल है आपका, 5 टोटल, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 5 एकड़, ठीक है, एक का वैल्यू यहाँ पे 5 एकड़ है। तो क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हम 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 एकड़, ठीक है। अब इसी में ज्यादा करते हैं बोर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है आपका, अब अनुपात समानुपात का, अब समानुपात देखते हैं समानुपात क्या होता है, अनुपात क्लियर हो गया होगा और इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन करेंगे आज और बेसिक बेसिक और कल भी करेंगे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो समानुपात देखते हैं, देखो समानुपात क्या होता ठीक है, देखो जैसे कि नाम से क्लियर है समानुपात, समानुपात का मतलब समान अनुपात होता है, ठीक है, समान अनुपात, इसका मतलब क्या होता है, समान अनुपात, समान अनुपात का मतलब जैसे कि 2:3, ठीक है, 2:3, ठीक है, अगर मैं इसी को लिख दूं 6:9, तो क्या गलत होगा, क्या नहीं हो सकता ना गलत, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 6 और 9 को कटा के देख लो आप, देखो 3 2 6 और 3 3 9, ठीक है, मतलब ये 6 और 9 2:3 के बराबर आ गया ना, ठीक है, मतलब ये बराबर में हम लिख सकते हैं, मतलब 2:3 को हम 6:9 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिखने का एक तरीका और ऐसे भी हो सकता है कि 2:3 और 4 बिंदु लगा के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब इसी को बोलते हैं समानुपात, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, समानुपात, यही है आपका समानुपात, ठीक है, माने अनुपातों में समानता दिखाने वाला जो अनुपात है वो समानुपात है, ठीक है, अनुपातों में समानता दिखाने वाला या बराबर अनुपात, ठीक है, मतलब ये बराबर और ये एक ही चीज है, ठीक है, जैसे कि आपका ये रेशियो और ये, मतलब देखो ये रेशियो और ये अनुपात, मतलब ये अनुपात और ये जो भाग का साइन है, ठीक है, एक ही है, वैसे ही ये आपका बराबर, ठीक है, बराबर और ये 4 बिंदु वाला जो समानुपात है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, अलग नहीं है। आप क्या करेंगे, ये समानुपात, ठीक है, ये तो समानुपात हुआ, अब क्वेश्चन क्वेश्चन किया जाए, या अनुपातों का संयोजन करते हैं पहले, ठीक है, अनुपातों का संयोजन करते हैं, देखो अनुपातों का संयोजन करते हैं, अनुपातों का संयोजन का मतलब 2:3 कितना भी है उसको जोड़ना है, ठीक है, मतलब देखो जैसे कि आपका ए अनुपात भी है, ए अनुपात भी है, 2:3 है, ठीक है, और बी अनुपात सी है, वो कितना है आपका 6:5, ठीक है, ए अनुपात भी है 2:3 और बी अनुपात सी कितना है 6:5, तो आपको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा इसका, ठीक है, ये कैसे करेंगे, मतलब इसमें क्या करना है, जोड़ना है आपको, संयोजन करना है, मतलब ए और बी है और बी और सी है, ठीक है, तो उन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो आप दो जैसे प्लेट है आपको उसको कैसे जोड़ते हो, ठीक है, आपका देखो दो प्लेट है, देखो जैसे कि ए नाम का प्लेट है, ये बी नाम का प्लेट है, ठीक है, ठीक है, ये ए नाम का प्लेट है, ये बी नाम का प्लेट है, अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, सॉरी सी नाम मान लो, सी नाम मान लो इसको, ठीक, ये सी नाम का प्लेट है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कैसे करोगे, प्लेट को कैसे जोड़ते हैं, नट बोल्ट से जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, नट बोल्ट से जोड़ते हैं, ये देखो नट बोल्ट, ठीक है, नट बोल्ट से जोड़ते हैं, तो नट बोल्ट से जोड़ते हैं, नट बोल्ट क्या हो जाएगा, बीच का जोड़ने वाला मतलब बी, ठीक है, ये हो जाएगा बी, मतलब दोनों में कॉमन चीज, देखो यहाँ पे ए और बी है और बी और सी है, तो दोनों में देखो क्या कॉमन है,
बी कॉमन है, ठीक है, बी कॉमन है तो कॉमन ही क्या है, दोनों में कॉमन रहेगा तो वही तो जोड़ेगा ना, ठीक है, कोई अलग आदमी आग थोड़ी जोड़ेगा, ठीक है, वही जो कॉमन रहेगा वही जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बी बीच में कॉमन है, मतलब क्या है ये नट बोल्ट है, ठीक है, बी क्या है नट बोल्ट है, ए क्या प्लेट है, सी क्या प्लेट है, बी क्या है नट बोल्ट है, तो नट बोल्ट का क्या है, नट बोल्ट कब जोड़ पाएगा, जब नट बोल्ट की क्या हो जाएगी, साइज सेम हो पाएगी, ठीक है, मतलब एक तरह से मतलब बी एक के साइड से क्या है वो बोल्ट है और एक के साइड से नट है वो, ठीक है। देखो भाई ये क्या है, बोल्ट है, ठीक, और ये जो छोटा वाला है नीचे ये नट, ठीक है, मतलब ये ए के साइड से है, देखो दोनों साइड में बिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो बी क्या है, देखो ये दोनों साइड में बी है ना, इधर भी बी है इधर भी बी है, देखो इधर भी बी है इधर भी बी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बी जो है आपका बोल्ट का काम कर रहा और यहाँ पे जो बी है आपका नट का काम कर रहा है, नट का काम कर रहा है, ठीक है। और नट बोल्ट को एक साथ जोड़ोगे तो देखो कब जुड़ता है नट बोल्ट, जब उसका साइज समान रहता है, ठीक है, साइज समान रहता है, ये जो है आपका साइज जो समान हो चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, अलग बोल्ट अलग साइज का लगाओगे तो गिर जाएगा ना, जोड़ क्या पाएगा, नहीं जोड़ पाएगा, तो क्या है साइज समान रहेगा तब तो ये जोड़ पाएगा दोनों को, ठीक है, तो वैसे ये साइज समान होना चाहिए नट बोल्ट का, तो देखो यहाँ बी नट बोल्ट का काम कर रहा है तो बी का साइज क्या समान होना चाहिए, तो देखो साइज समान है कि नहीं पहले देखते हैं, तो देखो यहाँ पे देखो 2 अनुपात 3 है, 6 अनुपात 5 है, तो बी यहाँ पे देखो 2 3 है तो यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है, तो यहाँ क्या है साइज समान है क्या, नहीं है, 2 और 3 2 3 और 6 क्या है समान नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या है समान बनाना पड़ेगा, समान कैसे बनाएंगे, तो देखो एलसीएम पे समान बना सकते हो या किसी और संख्या पे भी समान बना सकते हो, ठीक है, एलसीएम पे समान बनाओ मतलब तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी इसे मतलब जो है आंसर एकदम परफेक्ट निकलेगा, और कोई बड़ा संख्या पे समान बना दिए तो क्या है आंसर बड़ा आ जाएगा, ठीक है, तो कोई भी संख्या समान, लेकिन एलसीएम पे बना तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का एलसीएम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 6 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 6 का क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लो, ठीक है, 3 6 का एलसीएम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 6 का एलसीएम, मतलब बड़ा संख्या में शामिल, मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 6, तो 6 पे ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो 6 पे मतलब ये 3 और 6 किस पे बराबर हो रहा है, 6 पे बराबर हो रहा है, ठीक है, 6 पे क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, तो 6 पे बराबर हो रहा है, तो मतलब बी का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब देखो तीनों का अनुपात लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 6, और आपको चाहिए ए और सी का वैल्यू, तो देखो ए का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे बी का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, देखो बी का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे सी का वैल्यू वहीं पे 5 है, ठीक है, मतलब बी और सी में क्या रिलेशन है, अगर बी 6 होता है, बी 6 हिस्सा है तो ठीक सी कितना हिस्सा है वहीं पे 5 हिस्सा है, तो यहाँ पे सी में कोई चेंज नहीं आएगा, सी 5 ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे देखो ए, देखो 2 अनुपात 3 का रिलेशन है ए और बी में, तो बी अगर 3 हिस्सा होता है, अगर बी 3 हिस्सा है तो ए 2 हिस्सा है, तो बी अगर 6 हिस्सा हो जाए मतलब 3 से दुगुना हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है, रेशियो में सबका गुना एक साथ होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, तो रेशियो में क्या है देखो ए बी में क्या रिलेशन है 2 अनुपात 3 का, तो अगर ए बोलेगा 3 गुना होएगा तो बी क्या बोलेगा, मैं भी मतलब एक सॉरी बी क्या है 2 गुना हो रहा है, मतलब 3 से 6 हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो ए भी क्या बोलेगा मैं भी 2 गुना होऊंगा, तो क्या है बी क्या है ए क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 अनुपात 6, ठीक है, तो ए हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4, तो देखो ए बी सी में क्या अनुपात आ गया, 4 6 और 5 का अनुपात आ गया, ठीक है, तो इस तरह से अपन बना सकते हैं, ये 3 वाला हुआ, और मैं 4 वाला भी करा देता हूँ, अब देखते हैं भाई 4 वाला, तो क्या हो जाएगा, देखो ए और बी मान के चलो 2 अनुपात 3 है, ठीक है, और ऐसे क्या है बी और सी, देखो इसको नीचे लिख जाएगा, ए और बी में कितने अनुपात है 2 अनुपात 3 का अनुपात है, और बी और सी में, बी और सी में मान के चलो 4 अनुपात 5, ठीक है, और सी और डी में, सी और डी में 10 और 12 का अनुपात, 10 और मान के चलो 7 का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, अच्छा वो उसमें शॉर्टकट एक और तरीका है, उसको नहीं बता पाया था क्या, ठीक है, इसको मतलब उससे पहले इसको मैं उसको समझा देता हूँ, एक और तरीका होता है 3 वाले में, उसको देख लो थोड़ा सा, ठीक, जैसे कि आपका ए और बी है और बी और सी है, ठीक है, 2 अनुपात 3 है और 6 अनुपात 5 ऐसे देखे थे अपन, ठीक है, तो क्या किए थे अपन, इसको बराबर किए थे, और कितना आया था आपका आंसर 4 6 और
कितना आया था, 4, 6 और आपका जो भी आंसर आया होगा, ठीक है, 4, 6 और 5 का अनुपात होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको दूसरा भी तरीका से ये कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, ए बी और सी, ठीक है, चुपचाप लिख लो ए बी सी, ए बी सी में निकालना है ना। तो क्या है देखो, यहाँ पे आपको बी को देखो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ बूढ़ा बूढ़ा कुछ नहीं करना है, चुपचाप रखना है। देखो 2:3 है, तो ए अनुपात बी के नीचे लिख लो 2:3, ठीक। अब देखो 6:5, तो यहाँ पे 6:5 लिख लो, ठीक है, तो 6:5 यहाँ पे लिख, इसके नीचे में, इसके नीचे में, ठीक है, जस्ट नीचे में। अब क्या हो जाएगा आपको, देखो यहाँ पे जगह खाली दिख रहा है और ये जगह खाली दिख रहा है, ठीक है, दो जगह खाली दिख रहा है आपको, वहां पे कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। तो क्या भरेंगे यहाँ पे, क्या भरेंगे, देखो जो बगल वाला है उसको भर दो, ठीक है। जैसे कि आपका, आप सिनेमा जाते हो, ठीक है, मूवी देखने जाते हो, तो देखो यहाँ पे आपको सीट घुसने मिलता नहीं है, ठीक है, मान के चलो कोई बैठा हुआ है और आपको जाना है अंदर, ठीक है, आपको लाइन से सीट है, आपको 10 सीट है सामने, ठीक है, आपको घुसना है अंदर साइड, और आपका एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, उसके आगे का सीट खाली है। अब क्या करोगे, उस पार जाना है आप, तो क्या बोलोगे उसको कि आप, ठीक है, उसको बोलोगे कि अब जाते बन नहीं रहे, क्या बोलोगे, आप उधर बैठ जाइए, ठीक है। मतलब क्या करोगे कि जो बगल में बैठा हुआ है उसके खाली में कोई जगह है, ठीक है, जो बगल में आदमी बैठा हुआ है अपने सीट पे उसके खाली में जगह है, तो क्या करोगे, उसको आदमी बोलोगे उधर जाके बैठ जाओ भैया, तो वो क्या करेगा, उठ के अपने जगह से उठ के जाके बैठ जाएगा। मतलब आदमी क्या है, वो जगह को फुलफिल कर दिया, ठीक है, वो खाली जगह को फुलफिल कर दिया। वैसे ही यहाँ पे, यहाँ पे देखो बगल में आपको बैठा देना है, तो देखो 3 बैठा है इधर और इधर खाली है, तो इसको उठा के यहाँ पे बैठा दो, ये अपनी जगह में रहेगा ही, उसका जगह उसका रहेगा ही, 3 तो हटेगा नहीं, यहाँ पे जो खाली है उसको बैठा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बैठा दो, और यहाँ पे देखो खाली है, तो 6 के बगल में क्या आ जाएगा, 6 ही बैठा दो, 6 बैठा दो। तो क्या, अब देखो रेशियो, अब एक साइड को गूढ़ा कर दो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 दूनी कितना हो गया, 12, कटेगा तो कटा दो, कटेगा वाला बात देखेंगे कठिन हो जाएगा, यहाँ पे पहले गूढ़ा ही करके देख लो, दोनों दिखा दूंगा, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया 12, देखो 6 3 कितना हो गया, 18, ये हो जाएगा 5 से 15, ठीक है, अगर कटता है तो कटा दे, 3 से कट रहा है, देखो 3 चौक 12, 3 छक्के 18, 3 5 15, तो ये आ गया 4 6 5 का ये अनुपात आ गया, ठीक है, 4 6 5 का। और देखो कटाना यहाँ गुणा करके नहीं कटाना है, तो एक तरीका ये भी है, ठीक है, अगर ऐसा गुणा करके नहीं कटाना है तो देखो ये तरीका, यहीं से कटा दो डायरेक्ट, अगर कट रहा है तो यहीं से कटा दो, ठीक है, मतलब ये गुणा में ही, ठीक है, ऊपर नीचे गुड़ा में है, अगल बगल गुड़ा में नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे गुड़ा में है, अगल बगल गुड़ा में नहीं है, अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे ए के साइड में देखो, बी के साइड में देखो, तीन सी के साइड में देखो, कोई भी साइड में अगर सेम मिल रहा है कर दो, कटा दो, ठीक है, देखो 3 इधर कट जाएगा, 3, और इधर भी 3 कट गया, मतलब सी वाले पक्ष में 3 कट गया, ए वाले बी वाले पक्ष में 3 कट गया, और ए वाले पक्ष में क्या कटेगा, ए वाले पक्ष में 3 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 6 कटेगा ना, 3 दूनी 6, 6 कट गया। अब देखो यहाँ पे 2 बचा, 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 6 बचा, तो क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे 5 बचा, तो 6 5, ठीक है, 4 6 5 का अनुपात ऐसे भी निकाल सकते, ठीक है, तो वैसे 4 वाला है उसको भी देखते हैं, ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारा दे देगा आपको, तो क्या करेंगे, वैसे निकाल के आप सॉल्व करना, ठीक है, ऐसी सीट सीटिंग सिस्टम में आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर वैसा दे दिया जाए कि आसानी से दो ही दो है हिस्सा, फटाक से निकल रहा है, तो उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट वाला भी दिखा रहा हूँ, मतलब और ये सीटिंग सिस्टम भी दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 2:3 है, 4:5 है, बी क्या है, समान है, ठीक है, तो ये क्या है, समान होना चाहिए, देखो 4 और 3 किस पे समान होगा, 4 3 12 पे समान होता है, ठीक है, तो एलसीएम क्या है, 12 है, 12 पे समान हो गया, ठीक है, तो 12 होना चाहिए बी को, ठीक है, 12 होना चाहिए बी को, तो ए बी सी क्या हो जाएगा पहले, ठीक है, पहले ए बी सी निकालो, उसके बाद सी डी को जोड़ना, ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, देखो 3 यहाँ पे है लेकिन 12 होना चाहिए यहाँ पे, बी मतलब 12 है ये, ठीक, मतलब 3 में क्या का गुणा करेंगे तो 12 होगा, 4 का गुणा करेंगे तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे 12 है, मतलब बी क्या है, 12 है, मतलब 4 है यहाँ पे, लेकिन 4 में 3 का गुणा करेंगे तब 12 होगा, तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, 5 के 15 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 12 15 हो गया ए बी सी। अब देखो सी डी को अब ज्वाइन करना, अब सी डी को ज्वाइन कर लो, सी डी 10/7, सी डी को ज्वाइन करना है, यहाँ पे देखो 15 और 10 है, सी क्या है, देखो यहाँ पे 15 है, सी यहाँ पे 10 है, अब समान किस पे होगा, 15 10 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपको, 5 से 15 15 आपका 2 3 30, ठीक है, 30 आ जाएगा एलसीएम, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 30, मतलब 15 और 10 किस पे समान होगा, 30 पे समान होगा, ठीक है, तो 30 पे समान होने के लिए 15 को क्या करना, गुणा करना पड़ेगा 2 का, 15 में 2 का गुणा करेंगे तो ये सब समान होगा, मतलब सब में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी तो आपका 30 रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद देखो बी, मतलब ये पूरे में आपको कितने गुणा करना पड़ेगा, आपको
क्या 15 दूनी 30, तो 2 का गुणा आपको पूरे में चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सी आपका 30 आ चुका है, 2 का गुणा करेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा, बी 12 दूनी 24, और ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक। अब इधर देखो 10 को 30 बनाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 में 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 का गुणा करोगे सब में तो क्या हो जाएगा, 7 पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है, 7 पे कितना हो जाएगा, 21। तो देखो आंसर क्या आ गया, 16, 24 और 30 और 21, ठीक है। ये तो हुआ अनुपात के तरीके से, और सीटिंग सिस्टम से देखते हैं, ठीक है, सीटिंग सिस्टम से। तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, अब देखो ए बी सी डी, ए के नीचे क्या, देखो 2:3 लिख दो, 2:3 दिया, 2:3, उसके बाद बी सी के नीचे देखो 4:5 लिख दो, ठीक है, ये आपका 4:5 हो जाएगा। उसके बाद देखो सी डी 10:7 है, तो 10:7 लिख लो, ठीक है, ये लाइन खींच लो। अब देखो जो खाली जगह है वो बगल वाले को बैठाते जाना है, ठीक है, तो कितना भी खाली जगह है सब बगल वाले ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 बगल में खाली है, 2 जगह, तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह क्या हो जाएगा, 3 3 बढ़ जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 3 यहाँ पे 3, ठीक। यहाँ पे देखो 5 के बगल में क्या खाली, इधर, तो 5 के बगल वाले 5 ही में आएगा, ठीक है, 5 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 है, ये बगल में खाली है, तो 4 के बगल में 4 ही जाएगा, ठीक है, 5 नहीं जाएगा, 5 अपने बगल में गया है, 4 के बगल में खाली है तो 4 ही जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 4। अब देखो यहाँ पे बगल में कौन दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 है और 7, 7 तो उधर वाले के लिए है ना, तो 10 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 10 पूरा जाएगा, सब में बैठेगा 10, ठीक है, 10 सब में बैठेगा, तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कटिंग करना है, कटिंग कर लो, अगर सभी पक्ष क्या है समान, देखो ए क्या है 2 4 10, मतलब एक पक्ष हो गया, बी 2 पक्ष हो गया, सी 3 पक्ष, डी 4 पक्ष, सबके पक्ष है अलग अलग हैं। अब अगर कटाना है तो सभी में कटाना पड़ेगा, ठीक है, अपने अपने एरिया से, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से कट रहा है क्या, 2 4 4, 2 से बिल्कुल कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, देखो 10 से नहीं कटेगा लेकिन 5 से कटेगा, देखो यहाँ पे 5 कटेगा, इधर 5 कटेगा, ठीक है। अब इधर वाले में 5 कटेगा, देखो 5 नहीं है तो 10 को कटा लो, 5 दूनी 10, ठीक। अब देखो यहाँ पे 10 है, इधर वाले में भी 10 है, 5 नहीं है तो 10 को कटाओ, 5 दूनी 10, ठीक है, ये कट गया। अब देखो कटेगा क्या, कुछ 4 2 है क्या, देख इधर 7 दिख रहा है, मतलब इस पक्ष में 7 है तो बाकी में 7 नहीं है, नहीं कटेगा। अब इधर में 3 दिख रहा है तो देखो बाकी में 3 दिखेगा, 3 कट जाएगा, देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, और आपका यहाँ पे इस लाइन में 3 नहीं है, मतलब नहीं कटेगा, ठीक है, अभी इतना ही रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, ये हो गया आपका 16। अब बी के लाइन में क्या दिख रहा है, 4 3 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24, ठीक। अब ये देखो 10 3 30, ये हो जाएगा 30, और देखो ये 7 3 21, तो क्या आ गया, 16 24 30 21, तो देखो यहाँ भी 16 24 30 21, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये तो हुआ अनुपात का संयोजन, सीख गया हो गया, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बड़ा बड़ा और क्वेश्चन करा देंगे ऐसे, ठीक है, और इसका, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन कर लेते थोड़ा सा, उसके बाद आज का क्रियाक्रम समाप्त करते हैं। देखते भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अनुपात 2 कितना है, 3:4 है, बी अनुपात सी कितना है, ए अनुपात बी कितना है, 2:3:4, ठीक है, 3:4 है, ठीक है, 3:4 है, बी अनुपात सी कितना है, 8:9 है, तो ए अनुपात सी निकालना, ठीक है। तो देखो ए अनुपात सी ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा, मतलब तीनों में रिलेशन निकलेगा तभी तो निकलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिलेशन कैसे निकलेगा, तो कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो बी कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे बी कॉमन है, ठीक है, बी कॉमन है आपका, ठीक है, तो बी ही ज्वाइन कर पाएगा दोनों को, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बी क्या है, 4 है, उधर क्या है, 8 है, तो देखो 4 8 किस पे समान होंगे, आपका 8 पे समान होते हैं, 4 8 किस पे समान होंगे, 8 पे समान होंगे, मतलब कि देखो, मतलब ये जो बी क्या हो गया है, 8 ही रहेगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। अब सी क्या हो जाएगा, देखो वहां पे सी 8 है, मतलब बी अगर 8 है तो सी क्या है, 9 है, बी अगर 8 है तो सी 9 है। अब देखो ए क्या है, देखो ए क्या है, अगर 4 है तो 3 है, तो देखो 8 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4 दुनिया 8, 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दुनी 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए और सी का अनुपात निकालो, ए यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे 9, अब निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ए और सी का अनुपात 6 और 9, ठीक है, 6 और 9 का अनुपात होगा ए और सी में, तो देखो कटेगा कटा सकते हो, अगर डायरेक्ट मतलब अगर आंसर आ जाए तो कोई बात नहीं है, कट रहा है तो कटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 दुनी 6 और 3 3 9, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 कर, देखो 2:3 में आ जाएगा, ये आंसर होगा बी आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड में क्या बोल, देखो एम का 15% एन के 20% के बराबर हो,
तो एन एम अनुपात एन ज्ञात करना, ठीक है। मतलब देखो एम का मतलब, देखो का मतलब होता है गुणा, ठीक है। एम का 15% मतलब एम गुणा 15%, ठीक है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो एम का 15% एम गुणा 15% बराबर एन का 20% मतलब एन गुणा 20%, तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ कटेगा तो कटा लो। देखो परसेंट इधर भी है, परसेंट उधर भी है, गुणा में रहता परसेंट, तो क्या है दोनों से साइड से कट जाएगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब क्या बचा, एम बचा एन, एम एम एन का अनुपात लेना है, तो क्या है एन को इधर ला के खींच लो, ठीक है। तो आप एम को इधर ला के खींच लो तो एम अनुपात में आ जाएगा, मतलब गुणा से क्या है भाग में आ जाएगा, इस साइड आएगा तो, ठीक है। और ये 15 है उस साइड गुणा में है, तो उधर जाके भाग चला जाएगा। 15 से कटा लो इधर पहले, ये 15 से बोलता हूँ, 5 से, 5 से 15 होगा, और 5 चौक 20 होगा, तो देखो 4/3, ठीक है। इसको अनुपात में भी लिख सकते हो, 4 मतलब 3 को 4/3, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6, 8, 9 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, ठीक है। चतुर्थ मतलब क्या होता है, चौथे नंबर का, ठीक है। जैसे कि आपका ए बी सी डी है, ए बी और सी डी, ठीक है, मतलब समानुपाती, समानुपाती का मतलब समान अनुपात में होना। तो देखो देखे थे अनुपात का मतलब, समानुपाती मतलब होता है ए बी में जो अनुपात है वो सी डी में अनुपात होना चाहिए, वो समानुपाती। और ये क्या है कि समानुपात को 4 बिंदु से शो कर देते, देखो 4 बिंदु बराबर का वैल्यू ही होता है, ठीक है, बराबर ही होता है। अब देखो समानुपाती मतलब चौथे नंबर का, देखो ये क्या है, ए क्या है पहले नंबर का फर्स्ट, अब बी क्या है आपका सेकेंड नंबर का, ठीक है, सेकेंड, सी क्या है आपका थर्ड नंबर का थर्ड, और ये क्या है डी चतुर्थ नंबर का, चतुर्थ चौथा, ठीक है। तो प्रथम समानुपाती पूछेगा तो ए पूछ रहा है, द्वितीय पूछेगा तो बी पूछ रहा है, तृतीय पूछेगा तो सी पूछ रहा है, चतुर्थ पूछेगा तो डी पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है हमको, चतुर्थ पूछा है, तो चतुर्थ निकालना है, क्योंकि देखो ए बी सी आपको दे दिया गया है, ठीक है, चतुर्थ पूछ रहा है, मतलब ए बी सी आपको दिया गया है। ए बी सी क्या दिया गया है, देखो ए आपको 6 दिया गया है, ये 8 दिया गया है, और ये 9 दिया गया है आपको, डी पूछ रहा है, ठीक है, डी चतुर्थ हो गया, डी पूछ रहा है। तो देखो 6:8 है वही आपका 9:D है, ठीक है, मतलब 6:8 बराबर 9:D, ठीक। तो कुछ कटेगा तो कटा लो, तो देखो दो तीन दूनी, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 3 9 इधर कटा, ठीक। अब इधर देखो 2 1 2 और 2 4 8 कटा, अब कुछ बचा क्या, 4 बचा, मतलब डी का इधर गुणा कर लो, तिरियक गुणा कर लो, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा 4, 4 नहीं मिलेगा सॉरी, इधर 4 का गुणा होगा, 4 3 12 मिलेगा, ठीक, ये आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। 4 इधर 3 भी बचा है ना, तो क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 12, तो ये आपका 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका भी देखो, दूसरा भी तरीका हो सकता है। तो देखो ये जो देखो इन इन इनमें जो रिलेशन है वही अनरिलेशन उसमें होगा, ठीक है। मतलब रिलेशन क्या है, देखो 6 से 8 हो रहा है, मतलब ये देखो ए से बी का रिलेशन क्या है, 6 से 8 हो रहा है, तो 6 से 8 कैसे हो सकता है, 6 में कितना गुना हुआ है, 6 का 1.5 गुना करोगे तो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये 8 कैसे हुआ, 6 से 8 मतलब 2 बड़ा है, ठीक है, दो मतलब कितना गुना हुआ है ये देखते हैं, गुना कितना हुआ है ये देखते हैं, तो 6 से 8 में कितना गुना हुआ होगा, ठीक है, मतलब 1.5 गुना हुआ है क्या आपका, 6 से 1.5 गुना नहीं हुआ है ये आपका, देखो 6 से 8 मतलब कितना हुआ है, देखो 2 है और 4 है आपका, देखो 2 2 3 6 है, 2 4 8 मतलब क्या है, 3 से 4 गुना, ठीक है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 4 है, ठीक है, आपको डायरेक्ट, हाँ 3 से 4 गुना है ये, ऐसे समझ सकते हो। देखो 6 से 8 हुआ है, मतलब ये 2 3 6 है और ये 2 4 8, मतलब क्या है, कोई संख्या 3 से 4 हुआ है, ठीक है, 3 से 4 हुआ है। तो देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 से कितना होगा, ठीक है, 3 से 4 हुआ है, मतलब 3 में 3 का गुना करोगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है, तो 3 में 3 का गुना करोगे, तो 3 में 3 का गुना करोगे तो 9 बन जाएगा, तो 4 में कितने का गुणा करेंगे, तो अब देखो रेशियो में समान गुणा होता है, बताया था 3 में 3 का गुणा होता है, 4 में भी 3 का गुणा होगा, तो 4 में 3 का गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12, तो ये डी आपका आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 ये भी ऐसी आंसर ऐसे निकाल सकते हो, ये तरीका है, ये हो गया। अब देखो इसका क्वेश्चन, 3 और 6 का तृतीय समानुपाती, ठीक है, तृतीय समानुपाती, तो देखो 3 और 6 दो समानुपाती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे तीसरा मतलब चार, चारों वैल्यू होता है, तो चारों आपको नहीं दिए गए, ठीक है, तृतीय आपको पूछा है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे मतलब 3 ही है, 3 ही संख्या में है, मतलब ए बी सी है, ठीक है, पहला दूसरा दिया तीसरा नहीं मालूम, मतलब 3 ये 6 दिया है, तीसरा आपको नहीं मालूम, मतलब मान लो ये एक्स है, ठीक है, या सी ही मान सकते, ठीक है, सी ही मान सकते हो, एक्स मान लो, एक ही मतलब है।
देखो तीन तो दिया है, अब देखो तीन को ब्रेक करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते इसको, बराबर कहीं ना कहीं साइन आएगा, तभी तो आप इधर गुणा भाग कर पाओगे, डायरेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे इसमें, इसको अलग अलग कर लो, ठीक है, इसको अलग अलग कर लो। तो देखो यहाँ पे ए और बी में रिलेशन जो होता है, बी में सी में ये समानुपात का साइन लगता है, ठीक है, समानुपाती बोलता है, तृतीय समानुपाती। तो समानुपात का रिलेशन लगा दिए, समानुपात निकाल दिए, ठीक है। मतलब तीन और छह में जो रिलेशन होगा ए और बी में, ठीक है, तीन और छह में जो रिलेशन, वो समानुपात किसके होगा, छह और एक्स में, ठीक है। मतलब तीन और छह में जो अनुपात होगा, छह और एक्स में होगा। मतलब कहने का मतलब 3/6 बराबर 6/x, ठीक है, 3/6 बराबर 6/x। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कटेगा, कुछ कटेगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12। तो यहाँ पे भी आंसर 12 ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आंसर 12 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका यहीं से देख लो, ठीक है। 3 और 6 में रिलेशन, 6 और x में रिलेशन, मतलब 3 से क्या हुआ, 6 मतलब ये 2 गुना हुआ है, ठीक है, 3 से क्या हुआ है, 2 गुना हुआ, ठीक है। तो 6 से x क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 6 से क्या हो जाएगा, ये 2 गुना, मतलब 6 तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, ऐसे भी आंसर 12 आ सकता है। तो ये एक तरीका हुआ तृतीय समानुपाती। अब मध्य वाला करते हैं, अब देखते हैं भाई पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्या बोल रहे हैं, देखो 12 और 3 का मध्य अनुपाती क्या होगा। अब मध्य अनुपाती क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पढ़े, वैसे ही क्या है, मध्यम होता है, मतलब बीच में होगा, ठीक है। तो देखो 12 और 3 दिया, तो 12 और 3 के बीच में एक्स लगा लो, ठीक है, 12 और 3 के बीच में एक्स लगा लो, इसको अलग अलग करना है तो समानुपाती मिलेगा, ठीक है। मतलब 12 और जो एक्स का रिलेशन है, वही एक्स और 3 का रिलेशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 12/x बराबर x/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा एक्स से होगा, त्रिक गुणा, तो x² हो गया, इसका इधर क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36। तो क्या हो जाएगा, देखो x² बराबर हो गया 36, ठीक है। तो एक्स इधर इधर x² है, दूर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर √36, क्या हो जाएगा, ये 6 आएगा आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हुआ, एक तरीका क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट भी इसको बोल देते हैं कि मध्यानुपाती अगर निकालना है, ठीक है, मध्यानुपाती अगर निकालना है आपको, तो क्या हो जाता है, वो √AB हो जाता है, ठीक है, √AB हो जाता है। √AB का मतलब 2 अनुपात, जैसे कि 12 और 13 है, वो ए बी है, ठीक है, ये ए क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और इसका मध्यानुपाती निकालना है, तो 12 और 3 का √ ले लो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √12/3, तो हो जाएगा √36, तो क्या हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 आपका आंसर यहाँ से मिलेगा, ठीक है, मतलब ये सब नहीं करना है, तो मतलब तो वही है, ठीक है, इसमें भी टाइम नहीं लगना है। कितना टाइम लगेगा अगर ऐसे आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट वैसे आजकल ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, मतलब रेशियो के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, पहले आते थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, और कल भी इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बेसिक वाले ही लेकिन एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।